हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों, बताने की तो ज़रूरत नहीं, मैं बात करने वाला हूं यहां पर आप लोगों के क्या बिहार सिपाही के जो कैंडिडेट हैं जो चाह रहे हैं कि आप लोगों की भर्ती रद्द हो। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक संदेश देना चाहूँगा, एक न्यूज़ के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि सच में आपकी भर्ती रद्द होने के 99% चांस हैं, आपकी भर्ती रद्द हो जाएगी, आपको विश्वास हो जाएगा यह वीडियो देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूँ बिहार की ही, जो बहाली होने वाली थी, क्या आपकी 94,000 शिक्षकों की जो भर्ती हो रही थी दोस्तों, इस पर आपका जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, इसने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए रोक लगा दी। बिल्कुल पूरे चांस है कि ये भर्ती रद्द होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले कि हम हर एक चीज़ को जानें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसको भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अभी कर दें जी दोस्तों। और यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने मार्क्स देखना है, आपको देखना है आपके बिहार का कट ऑफ क्या गया, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए एक ही मात्र उपाय है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो दोस्तों, आप लगा सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो सेल्फ से लगा सकते हैं, आप चाहें मैं लगाऊं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक होगी, आप उस पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देना, मैं आपकी ITI लगा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं कैसा क्या हुआ है, जो 94,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, आखिरकार यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी, क्या असंवैधानिक तरीके से यहाँ कुछ पाया गया। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, जो यहाँ पर 94,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, बिहार में बहाली होने वाली थी, यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप पटना हाई कोर्ट ने बिहार में 94,000 शिक्षकों की भर्ती को क्या किया दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहाली पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से क्या मांगा जवाब। जी दोस्तों, यही सेम कंडीशन हमारे बिहार पुलिस एग्ज़ाम में घटित हुई है कि यहाँ पर होमगार्ड के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने असंवैधानिक तरीके से भर्ती को करार देते हुए हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। तो दोस्तों, सेम पोजीशन आपके साथ होने वाली है, आपको यह भर्ती सिखाएगी कि क्यों आपका भी सिलेक्शन, मतलब कि आपका जो भर्ती है वो रद्द होगा। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसके रीज़न दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पर कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने शिक्षकों की भर्ती को प्रक्रिया में बदलाव को चुनौती देने हेतु यहां पर याचिका दायर की थी आपके हाई कोर्ट में। बिहार में 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शिक्षक बहाली पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 4 सितम्बर तय की है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो कि आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पर रीड करने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मेनली जो पॉइंट है जिस कारण भर्ती पर रोक लग रही है, मैं उसको फोकस करने वाला हूँ, जिससे कि हमारा जो मेन पॉइंट है क्या सिपाही भर्ती का, वो भी क्यों रोक लग सकती है, क्यों रिजल्ट रद्द हो सकता है, सेम पोजिशन वहाँ पर भी घटित हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भी असंवैधानिक तरीके को करार देते हुए होमगार्ड के जो यहाँ पर स्टूडेंट थे, इन्होंने केस फाइल किया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान यहाँ पर विज्ञापन के अनुसार NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED एवं TET तथा CTET पास अभ्यर्थी 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। विज्ञापन में ही मेधा सूची की तैयारी सहित तो उसके अनुमोदन, सूची प्रकाशन, आपत्ति निराकरण सभी के लिए समय तय की गई है। इसी बीच विभाग ने 15 जून को एक स्मृति पत्र जारी कर CTET पास अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं लेने का निर्देश जारी किया। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया था, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था, कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट थे, ए सर्टिफिकेट वाले 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं, बट यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट ने बीच के बीच क्या किया कि यहाँ पर कुछ बदलाव कर दिए इनके ही नोटिफिकेशन में। जी दोस्तों, यहाँ पर अभ्यर्थी CTET पास अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं लेने का निर्देश दे दिया 15 जून के पहले पहले इस स्मृति पत्र द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये असंवैधानिक हो गया, क्यों, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में तो कुछ और मेंशन किया है और आपने बीच के बीच बदलाव कर दिया और कुछ और कर दिया। तो दोस्तों, इस कारण इस भर्ती को रद्द करवाया गया है और इस भर्ती पर प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पर यदि गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पा रही है
तो दोस्तों यहाँ पर इस भर्ती का रद्द होना 100% हो गया है। अब सेम यही कंडीशन आपकी क्या घटित हो रही, तो दोस्तों आपको पता होगा आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ मेंशन था कि यहाँ पर जो बिहार होम गार्ड हैं उनको 50% आरक्षण है, बट आपने देखा होगा यहाँ पर 12 के 13% ही आरक्षण दिया है, बाकी जो कैंडिडेट हैं वो पास ही नहीं, मतलब कि उनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया और ना तो कोई कट ऑफ बताया गया ना कुछ। तो दोस्तों यही आपका एक रीज़न बन रहा है जिससे हाई कोर्ट आपकी भर्ती पर भी एक्शन ले लेगा। जी दोस्तों, आपकी भर्ती पर भी एक्शन ले लेगा और गवर्नमेंट से जवाब मांगेगा। यदि गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पाती तो समझिए कि आपकी जो भर्ती है वो भी 100% रद्द होना तय है। और दोस्तों जो कैंडिडेट की मांग आ रही थी कि सर सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो दोस्तों यदि कैंडिडेट सच में सीबीआई जांच हो रही है तो आपका जो 100% है बिहार का सिपाही भर्ती ये तो रद्द हो ही जाएगा। यहाँ पर एक ही बहुत से कारण निकल के आ रहे हैं सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि यहाँ पर बोला गया था कि आप लोगों की जो भर्ती है इसमें 50% रिजर्वेशन रहना चाहिए, किसका, होम गार्ड का, जो कि यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। 12% होम गार्ड जवानों को बहाली पर बोला गया, मतलब कि आपकी जो, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन है 50% यहाँ पर शारीरिक दक्षता के लिए बोला गया। और यहाँ पर कैंडिडेट ने असंवैधानिक तरीके से छात्रों के नंबर बताए जाएँ, आप कट ऑफ बताए जाए और ब्याज से पाए रिजल्ट रद्द हो, इन चीज़ों को यहाँ पर बोला है कि सर यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही थी और सपोर्ट भी कर रहे थे कैंडिडेट। तो दोस्तों मेरे को भी पॉसिबिलिटी जा रही है कि 90% आप लोगों की जो भर्ती है सिपाही भर्ती वो भी रद्द होनी चाहिए, हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने एक एग्जाम्पल देख लिया कि जैसे आपकी यहाँ पर जो 94,000 शिक्षकों की भर्ती है उस पर असंवैधानिक तरीके को करार देते हुए हाईकोर्ट ने, पटना उच्च न्यायालय ने फटकार लगा दी है आपके बिहार गवर्नमेंट को। तो दोस्तों भर्ती तो भर्ती है, बिहार की ही भर्ती है, तो दोस्तों यहाँ पर भी केस फाइल हुआ है, बिल्कुल सेम कंडीशन घटित हो रही है, आपकी भर्ती की भी 99% चांस जा रहे हैं कि रद्द हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हाँ यदि आप भी चाहते हैं कि सर मेरा भी RTI लगा दीजिए, मेरे को भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अपने मार्क्स जानना है, यह जानना है कि मेरा कट ऑफ कितना गया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक होगी, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, आपका बाकायदा RTI फिल कर दिया जाएगा। यदि आप सेल्फ से लगाना चाहें तो आप सेल्फ से भी लगा सकते हैं, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।